was built to last. With the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, got my foot on the gas. Never stop competing. If you break my glass, then this life's coming. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame. जीवन की भागदौड़ में ना कभी कुछ पता नहीं चल पाता है कि हम कहाँ पे क्या चूक कर गए हैं, क्या हमने खो दिया है, क्या हमने पाया है। कितने सुंदर सुंदर नज़ारे दुनिया में हैं, कितने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। ये अचानक से मैं यहाँ पे खड़ी हुई तो मैंने पीछे से देखा, कितना सुंदर था ये पीछे। लेकिन ये ना पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ये नाला टाइप का है, नाला इसी को बोलते हैं। बट ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना कि मतलब एक अलग ही सीन नज़र आ रहा है यार। कितना सुंदर इसमें झाड़ियाँ हैं एंड पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो भी आधे अधूरे कटे पटे हैं, बट देखने में इतना सुंदर नज़ारा हो रहा है कि क्या ही बताएं। एंड यहाँ पर इसके सामने जस्ट ये है एक बस स्टैंड, तो बस स्टैंड पे यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे बस का वेट करते करते। पता है जीवन की भागदौड़ में ना इंसान को पता नहीं चल पाता है यार कि कहाँ पे उसको जाना है, कहाँ क्या करना है, कुछ बस भाग दौड़ रहती है जीवन भर। भागम भाग बस ऐसे ही रहती है ना, कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन सिर्फ भागते रहो, है ना। कुछ ऐसा ही है लाइफ का नाम। तो बस यहाँ पर ऑटो में हम बैठे हैं एंड मैं जा रही हूँ ऑटो से ऑफिस से घर की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये सभी इतना प्यारा नज़ारा है, ये हाईवे का सीन है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। सो चलते हैं, कहाँ कहाँ जाना है देखते हैं, कहाँ जा सकते हैं। सो यहाँ से अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, उसके वहाँ पर मुझे काम से जाना था। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। यार चौथे फ्लोर पे मुझे जाना पड़ेगा, ये फोर्थ फ्लोर ना बड़ा भारी पड़ता है। टैंगो की बैंड बच जाती है। ओह माय गॉड, अभी गिर जाती मैं। फाइनली पहुंच गए। बहरहाल मैं पहुंच गई हूं और यहां पर बैठकर देखते हैं क्या होता है। यहां पर मैं आपको पूरा सीन नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो बैठी हूं, थोड़ा सा आराम कर रही हूं एंड इसके साथ साथ वाओ तरबूज, ठंड गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा तरबूज खाना कितना अच्छा लगता है ना, एक अलग ही स्वाद आता है इसका। और फिर किसी के घर में जाके किसी के साथ में बैठ के खाना मिले ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। सो अब मज़े लेते हैं गर्मियों के। बेचारे मच्छर को भी ना जाने कब से भूख लगी हुई है, वो भी साहबजादे बैठे हुए हैं और आराम से खा रहे हैं तरबूज। हमारे साथ साथ इनको भी खाना है। कितना हटाने की कोशिश की इसको लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रहे हैं एंड कितने अच्छे से खा रहे हैं, जैसे आज ही सारी अपनी कसर भूख की निकाल लेंगे और पूरा आज ही खा जाएंगे। हट जाओ भाई साहब, हटो
अरे हटो हटो हटो, ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यार। इनको डर भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इनको देखा जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर आ चुके हैं मार्केट में, तो आज मार्केट लगी हुई थी। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेने के लिए। ये है कुछ कॉस्मेटिक का काउंटर, मतलब कॉस्मेटिक का स्टॉल। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेली यूज़ की भी हैं, एंड अच्छा लगता है कभी कभी लो इन सब चीज़ों को ना, तो ज़रूरत के अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। पूरी मार्केट लगती है, भरी पूरी मार्केट। सो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली, और सब्ज़ियों के साथ में बस उनको कुछ, क्योंकि खाना तो बनाना है ही और सब्ज़ी भी लेनी है, बट गिनी चुनी सब्ज़ियाँ ही आजकल आ रही हैं, बहुत कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं मिल पाती है। सो लेते हैं सब्ज़ी। और मैंने बेल्ट ली थी, बेल्ट लेकर के मैंने घर पे ले जा कर के रख दी, तो बच्चे देख रहे हैं बेल्ट, एंड एक बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है और बेटी बेल्ट देख रही है। सो बस ऐसे ही चलता है जीवन, और जीवन का आधार यही है, क्या किया जाए, ऐसे ही जीना होता है। और बेटे की पजामी फट गई थी तो बोल रहा मम्मा सिलो इसको, मैंने कहा ठीक है चलो मैं सिलती हूँ, एंड अभी बस इसको सिलने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब इसको सिल देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा फटा हुआ है, उसको अजीब सा लगता है, फटा हुआ नहीं पहनता है वो, तो बस इसको सिल देते हैं, उसके बाद बनाने की, खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। एंड आज मेरी तबीयत भी नासाज है, मुझे बुखार भी आ गया था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, अचानक से ठंड से बुखार आ गया और बस हालत ख़राब हो गई। कल तक तो ठीक था लेकिन आज अजीब सा ही हो गया है। सो आवाज़ आपको मेरी लग रही होगी कि थोड़ी सी मेरी आवाज़ वैसी जा रही है, सो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ को। अब हम सिल रहे हैं बच्चे की पजामी, और बस ऑलमोस्ट ये रेडी है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ऐसे करके सिलने में ना, ऐसे करके सिलो इसको तो आराम से हो जाता है। थोड़ा बहुत ये सब आना चाहिए क्योंकि घर में होना ज़रूरी है, सिलाई का सामान कब क्या हो जाए, कब क्या फट जाए, तो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि हम उनको घर पे ही सिलाई करके दे दें ताकि बाहर जाना ना पड़े, क्योंकि बाहर जाने में ना बहुत झंझट हो जाते हैं, काफ़ी सारे झंझटों का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत जितना भी हो सके घर में ही कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है ना। तैयार हो चुकी है एंड बस अब ये पहनने वाला है, सो देखते हैं पहनेगा या क्या करेगा। बच्चों ने सब कुछ बिखराया हुआ है यहाँ पर। सिल गया? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need.